दादा प्रसाद पानी लाओ, टॉटो टॉटो। पीने का पानी मांगा था, नहाने का नहीं। तो इसका क्या करें? अपने सर पे डाल ले, टॉटो टॉटो। शर्म कर बेटा, शर्म कर। मेरा घोड़े जैसा बेटा गधा बनता जा रहा है, उसकी याददाश्त हो गई है, बाप को दादा कहता है, और तुझे लगता है कि वो झूठ मूठ का नाटक कर रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गोमुख भैया, अगर उनकी याददाश्त गई है तो वो अभी भी बर्थ पे क्यों सो रहे हैं? बस आप लोग मेरा साथ दो, मैं भैया की याददाश्त जाने का नाटक दूर कर दूंगा। ठीक है, ये कार है, कार सुन तो। कार क्या होती है? जिसका आपने एक्सीडेंट किया था। डॉक्टर डॉक्टर, एक्सीडेंट क्या होता है? ऐसे ऐसे भेड़ में एक्सीडेंट होता है। डॉक्टर डॉक्टर, किसने भेड़ी? कौन सी कार? आपको एक्सीडेंट याद नहीं? अरे ये हेड टीसी है, जब हेड ही नहीं रहेगा तो धड़ क्या करेगा, इसीलिए मुझे हेड टीसी बना दिया गया। इसका मतलब इन्हें नौकरी से निकाल दिया? नहीं 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 नहीं, नौकरी से नहीं निकाला है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट। गुप्ता जी, जब ये टीसी ही नहीं रहे तो टीसी की सारी निशानियां किस काम की? वो पेपर स्टैंड, वो पंखा, वो टीसी का यूनिफॉर्म, वो बर्थ, सब कुछ ले जाइए। वो रेलवे की संपत्ति है, सब कुछ ले जाइए, ले जाइए। गोमुख बेटा, कोयल ठीक कह रही है, चलो हम लोग बर्थ लेके आते हैं। जी बाबू। आओ इधर इधर। हाँ आ जाओ। गुप्ता जी ये आ गई बर्थ, ये ले जाइए आप। उठिए भैया, डॉक्टर डॉक्टर, ये सब ले जाने दीजिए। फुल स्टॉप। बेटा हम तुम्हारे लिए एक नया झूला ले आएंगे। नहीं दादाजी, मुझे यही झूला चाहिए, नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा इसे। देखिए अब आप टीसी नहीं रहे। हाँ जेठ जी, अब ये आपकी कोई काम का नहीं, जाने दीजिए, जाने दीजिए। ये भर चली जाएगी तो मैं सोऊंगा कहाँ? नहीं ये मेरी बर्थ है, नहीं ले जाने दूंगा इसे मैं। अरे आरएसी में भी बर्थ पे दो लोग होते हैं, ट्रेन में आरएसी, वेटिंग और विदाउट टिकट को बर्थ मैं देता हूँ, और यहाँ मुझे ही बर्थ नहीं मिल रही है। ये मेरी बर्थ है, मैं नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा इसे। बेटा घोटक, अब तू पकड़ा गया। नहीं दादाजी, वो बस कीजिए भैया, फुल स्टॉप। और कितना नाटक करेंगे? क्वेश्चन मार्क। प्लीज भैया मान जाइए। डॉट 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 डॉट। सच बताइए जेठ जी, आपकी याददाश्त ठीक है ना? मैं वो भैया, मैं आपसे कार के बारे में नहीं पूछूंगा, फुल स्टॉप। प्लीज आप सच बताइए। डॉट 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 डॉट। पानी लेकर आते हैं। नहीं 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 गधा प्रसाद, तो सच बोल बेटा, क्यों झूठ बोला तूने, क्यों ये फालतू का नाटक खड़ा किया? बाबू जी, मैं चोरी से गोमुख की कार ले गया था, जो मुझे नहीं ले जानी चाहिए थी, और ऊपर से मैंने कार का एक्सीडेंट भी कर दिया। मुझे लगा मुझे अपने छोटे भाई से शर्मिंदा होना पड़ेगा, और कहीं गोमुख मुझसे नई कार ना मांग ले, इसलिए इसीलिए आपने ये सब नाटक किया। आंटी आंटी,
मैं वादा करता हूँ गोमुख, मैं तेरी कार रिपेयर करवा दूंगा और फिर कभी तेरी कार को हाथ नहीं लगाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैंने वो कार बेच दी। डॉट 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 जो कार दो भाइयों में समस्या पैदा करे ऐसी कार रखनी ही क्यों? क्वेश्चन मार्क। आई एम सॉरी गुमो, मुझे माफ कर दे। नहीं भैया, मैं तेरी कार के लालच में आ गया था। बेटा तू इसकी कार के लालच में ही नहीं, तू इसकी कार, तिवारी जी की कार, गुप्ता जी की कार और वो खुराना सबकी कार के लालच में आ गया। तुझे हमेशा से दूसरे की चुपड़ी रोटी ज्यादा अच्छी लगती है। आदमी को रूखी सूखी जो मिले उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरों की देखा देखी में अपने हाथ सिर्फ मुसीबत आती है और कुछ नहीं। घोटक बाबू, बाबूजी जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके। दरअसल मेरी कार किसी गैराज वैराज में नहीं गई थी, मैंने बैंक के 3 किस्त बाकी रखे थे इसलिए कार बैंक वाले उठा कर ले गए। पूरे मोहल्ले के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी पता है आपको? और अपने गार्ड बाबू, वो तो पेट्रोल भी लोन लेकर भराते हैं। हम भले ही ऑफिस में वाह वाह करते थे कि हमारे पास कार है, हमारे पास कार है, लेकिन दिल ही दिल में आपकी इज्जत करते थे कि घोटक बाबू वो चीज कभी नहीं खरीदते जो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखा बेटा, कई बार आदमी दिखावे के लिए चीज खरीद तो लेता है, लेकिन दिखावे की चीज का क्या हल होता है ये गुप्ता जी बता ही रहे हैं। हाँ जेठ जी, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। अब आप टीसी नहीं रहे, दीदी ने साइन कर दिया है, आपकी रिटायरमेंट हो चुकी है। बाबूजी मेरी नौकरी? बेटा उसकी फिक्र मत कर। लेकिन ये रिटायरमेंट का फॉर्म? वो तेरी छुट्टी की अर्जी थी, 2 दिन से ऑफिस नहीं गया ना। और गुप्ता जी को फोन करके मैंने बुलाया था तेरे इस नाटक का पर्दाफाश करने के लिए। माफ कीजिएगा घोटक बाबू, आप ही हमारे हेड हैं और हम आपके धड़। अच्छा चलता हूँ, ऑफिस में मिल गुप्ता। मुझे माफ कर दीजिए बाबू जी। बेटा जितनी हैसियत हो उतना जरूर खरीदना चाहिए, लालच में आके कुछ नहीं करना चाहिए, इसीलिए तो कहा है। हम बताएंगे बाबूजी। रूखी सूखी खाकर ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी ही। तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। बाऊजी ये सब्जी है ना? मिठाई लाया हूं, ये देख, ये पुदीने के पेड़े, ये गोभी के गुलाब जामुन, आहा, आलू की बालूशाही, ये भिंडी की बर्फी। मजा आ गया। हरिओम। भगत, कोई तो काम ढंग से कर लिया कर। ये सब्जी उठा और जल्दी से फ्रिज में रख के आ, कोई गलती मत कर देना। ठीक है, कोई गलती नहीं करेंगे। सारी कोई गलती नहीं करेंगे, कोई गलती। बाऊजी हरिओ हरिओ। बाबूजी आप बहुत परेशान लग रहे हो, सब्जियों के दाम और बढ़ गए क्या? बेटा आजकल हर चीज महंगी होती जा रही है सिवाय जिंदगी के।
इस महंगाई के जमाने में एक जिंदगी है जिसका मोल दिन ब दिन कम होता जा रहा है। हाँ बाबूजी, देखिए ना, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। बाबूजी क्या बात है, मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे आपको तो बुखार है। अरे कोई सुन रहा है बाबूजी को बुखार है? डॉक्टर को बुलाओ, कोई सुन रहा है कि नहीं? अरे नहीं बेटा नहीं, इस महंगाई के जमाने में डॉक्टर घर आने के बहुत पैसे मांगता है। वो मेरा मॉर्निंग वॉक का एक दोस्त है डॉक्टर, डॉक्टर रोगी, उसको फोन कर दे। डॉक्टर रोगी? बाबूजी जो डॉक्टर खुद ही रोगी है वो दूसरे के रोग कैसे ठीक कर सकता है? बाबूजी बोलिए ना, बाबूजी बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? हरिओम 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 बेटा, उसका नाम डॉक्टर रस्तोगी है, हम लोग प्यार से उसे डॉक्टर रोगी कहते हैं। हरिओम। हाँ भागमती जी, आपके हस्बैंड की एक्सरे रिपोर्ट आ गई है। नहीं नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ आपके भाई साहब बिल्कुल ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि आपके पति बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या कहा, मैं बेकार का डॉक्टर हूँ? कमाल है, अगर आपके हस्बैंड को कोई बीमारी नहीं है तो इसमें मेरा कसूर क्या है? ठीक है, अगर आपको मुझसे तसल्ली नहीं है तो आप दूसरा डॉक्टर देख सकती है, बहुत तेज है यार। कौन? भागमती? भागमती नहीं, तेरा बुखार। बीपी चेक करता हूँ, जरूर बाजार जाकर कुछ उल्टा सुल्टा खाया होगा, वही चाट पकौड़ी खाई होगी। क्या बात कर रहे हैं यार रोगी, मैं चाट पकौड़ी कुल्फी कचौरी ये सब क्यों खाऊंगा भाई, बच्चा हूं मैं। मैंने तो थोड़े से बस गोलगप्पे खाए थे। डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल पूछें। हाँ पूछिए। हरिओम हरिओम, गधा प्रसाद MBBS डॉक्टर रोगी से सवाल पूछेगा। हे प्रभु, रोगी की रक्षा करना। बाबूजी को क्या तकलीफ है? लो ब्लड प्रेशर। तो दो। क्या दूं? अभी तो आपने कहा लो ब्लड प्रेशर, तो दो ब्लड प्रेशर। अरे रोगी, ये चिड़ियाघर का गधा प्रसाद है, इसके साथ बहस करने जाएगा ना तो तेरा अपना ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तू ना मेरी बहुओं से बात कर, कोयल ये मयूरी, आप इनको बताओ। ये कोयल दीदी, ये कोयल की तरह गाती है और मैं मयूरी, मैं मोर की तरह नाचती हूँ। चलो दीदी शुरू करते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। आ वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, ये मेरे दवाइयाँ लिख दी हैं, मैं कल फिर आऊँगा। ये मशीन मैं यहीं रख देता हूँ, सुबह शाम इन्हें चेक करते रहना, प्रेशर कौन देखेगा? डॉक्टर साहब हम चेक करेंगे बाबूजी का ब्लड प्रेशर। आप चेक करोगे? आपको आता है चेक करना? हाँ हम रोज प्रेशर कुकर में सब्जी बनाते हैं। अरे केसरी ये क्या है यार, मेरा सिर दर्द होने लगा है। तू दुनिया का पहला डॉक्टर होगा जो पेशेंट को चेक करने आया और खुद बीमार पड़ गया। डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर मैं चेक करूंगी, मुझे आता है। वेरी गुड, मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मेरे पापा ने मुझे ये खरीद के दी थी, अब थोड़ी सी खराब हो गई है, कभी कभी अपने आप ही प्रेशर बताती है। हरिओम हरिओम। खैर बेटे, बाबूजी को पूरे एक हफ्ते तक कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है, उन्हें कोई भी काम मत करने देना। अबे यार कम से कम
आज का मुहावरा तो लिखने देना, छोटा छोटा लिखूंगा। केसरी तू बेड से हिलेगा नहीं। अरे दो दो भौंहें सामने खड़ी हैं, तू इन्हें बता दे ये मुहावरा लिख देंगे। अरे पर बाबूजी प्लीज, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा चलो, हरिओम, नमस्कार, नमस्ते। चलिए बाबूजी मुहावरा बताइए, मैं मुहावरा लिखती हूँ। बाबूजी आप मुहावरा मयूरी को बताइए, मुहावरा मयूरी लिखेगी। मयूरी मुहावरा मैं लिखूंगी, मुहावरा मयूरी लिखेगी। मयूरी मैं बड़ी हूं ना तो मुहावरा मैं लिखूंगी। बोलिए दीदी। मयूरी छोटी है, इस नाते बड़ों का फर्ज बनता है कि वो छोटों को आगे आने का मौका दे, और छोटे अगर जिद्दी हो तो मुहावरा 50-50 लिखेंगे। ठीक है दीदी, एक लाइन आप लिखिए, एक लाइन मैं लिखूंगी। ठीक है, बोलिए बाबूजी, बोलिए। बाबूजी अगर मुहावरा एक ही लाइन का हुआ तो ही। चुप, तुम में से कोई मुहावरा नहीं लिखेगा, मुहावरा गिल्लू लिखेगा। जा बेटा जा, तू लिख। हाँ दादी। एकदम गर्मा गर्म मुहावरा है, आज के इन्हीं हालात पर ताजा मुहावरा। मम्मा हटो ना, मैंने तुमसे कहा था ना मैं लिखूंगी। चुप। हाँ बोलिए दादाजी। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती तो बाबूजी एक और म्यान मंगवा लो। दादाजी मैंने मुहावरा तो लिख दिया, अब आप मुहावरे का मतलब समझाइए। बेटा इसका मतलब है कि अक्सर दो जनों में एक ही काम को लेकर सहमति होना बहुत मुश्किल होता है। सोच बेटा, अगर स्कूल में एक ही सब्जेक्ट को दो दो मास्टर पढ़ाएंगे तो क्या होगा। अब तो टेंशन बहुत टाइट हो जाएगी बाबूजी। हाँ अगर एक ही सब्जेक्ट को दो दो टीचर्स अपने तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ वही तो, छोटे जल्दी समझ जाते हैं। समझी, मैं भी समझ गई दीदी, मैं भी समझ गई। बड़ों को बड़ा टाइम लगता है। हरिओम, हरिओम। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.